बहुत जल्द होंगे अनुज और अनुपमा आमने सामने, कुछ नहीं कर पाएगी आद्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज फिर से अनुपमा और अनुज मिलते मिलते रह गए। आज आद्या ने तो कुछ नहीं किया, मगर फिर भी कुदरत ने कुछ ऐसा कर दिया कि दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए। अनुपमा को तो खैर अभी पता ही नहीं है कि वो किससे मिलने वाली है, मगर अनुज को 90% तो अंदाजा है कि वो अनुपमा ही है। तो यहां पे जो भी कोशिश हो रही है वो अनुज की तरफ से हो रही है, और अब श्रुति को भी इस बात पे थोड़ा सा विश्वास होने लगा है कि कुछ तो है जो ये दोनों नहीं मिल पा रहे, मगर कब तक? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज अनुज ब्रेकफास्ट करने के लिए स्पाइस एंड चटनी के लिए निकल पड़ा। आद्या को जो दौरा पड़ा था, जो पैनिक अटैक आया था, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि श्रुति ने डॉक्टर को बुला लिया और आद्या को अपना पैनिक अटैक पोस्टपोन करना पड़ा, कभी फिर यूज कर लेगी। तो ये तो हुआ, मगर इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अनुज और श्रुति और आद्या पेशेंट नंबर वन और पेशेंट नंबर टू, जैसा कि श्रुति ने कहा, तीनों पहुंच गए स्पाइस एंड चटनी। अब आद्या के इतने होश उड़े हुए हैं कि वो करे तो क्या करे, कैसे रोके अपने पॉप को अनुपमा से मिलने से। बड़ी मुश्किल लगती है ये वाला सेंटेंस बोलने में, एक बच्चा जिसको अनुज और अनुपमा ने इतने प्यार से पाला, जितना भी देर पाला अनुपमा ने, वो बच्चा आज उन्हीं मम्मी पापा के बीच की दीवार बना हुआ है और परेशान हो रहा है कि कैसे रोकूं। बड़ी मुश्किल है ये बात कहना, मगर कहनी पड़ रही है क्योंकि बार बार यही बात सामने आ रही है। खैर आज तो आद्या ने कुछ नहीं किया, आज तो बेकरी में आग लग गई। तो यहां पे दो तीन चीजें हैं जो लगता है कि डिस्कस जरूर होनी चाहिए कि अनुज अब बार बार जोशी बहन से मिलने की बात कर रहा है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं मन में कंफर्मेशन मिल रही है कि ये अनुपमा ही है। बस एक 100% कंफर्मेशन चाहिए कि ये अनुपमा ही है, इसलिए वो बार बार वहां पर जाता है। मैं तो ये कहती हूं कि जब उसको इतनी ज्यादा कंफर्मेशन है ये अनुपमा ही है और वो उसको मिलना चाहता है इतनी स्ट्रांगली, तो वापस क्यों आया? बाकी लोग वहीं पे तो खड़े थे, अगर आग लगी है सब लोग वहीं पे खड़े हैं, जो स्पाइस एंड चटनी का स्टाफ है वो भी वहां पे ही कहीं दूर खड़ा है, तो जाके देखा क्यों नहीं? ऐसा क्या है कि जो वापिस चला गया? क्योंकि अगर अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है तो उस फीलिंग को कुछ तो मोटिव देना ही पड़ेगा। बट यहां पे मैं इस बात को एक और एंगल से भी सोचती हूं कि कान्हा जी नहीं चाहते हैं कि अनुज श्रुति और आद्या के सामने अनुपमा को मिले, इसलिए शायद बार बार नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये दोनों अकेले ही मिले। जैसे कि एक पहले एनकाउंटर के बाद जो शुरू में हुआ था, जब अनुपमा बहुत ही बुरी हालत में बैठी थी और पत्ते वाला सीन जो था उसमें था, उसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थी कि हाँ दोनों यहां पे एक ही एरिया में हैं। उसके बाद हमने जितने भी एनकाउंटर्स देखे हैं, किसी में विक्रम भाई अनुपमा के साथ में है जिसमें एक्सीडेंट हुआ था, किसी में आद्या साथ में है, किसी में श्रुति साथ में है, जैसे लंच पे या डिनर पे आना तो श्रुति साथ में है, तो वहां पे भी अनुपमा अनुज नहीं मिल सके। तो अब जो पॉसिबिलिटी दिख रही है इस कड़ी के हिसाब से, जो एक एक कड़ी जोड़ के हम बनाते हैं, तो वो यही दिख रही है कि अब अनुज जो रात को निकला है उसको उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग फिर से खींच के ले गई है उसी स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट में, और स्नोफॉल भी हो रही है। तो यहां पे अनुज और अनुपमा का आमने सामने होना दिखाई दे रहा है क्योंकि अकेले ही वो आमने सामने होंगे, उसके बाद ही जो भी सवाल जवाब होंगे या सवाल जवाब नहीं भी होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कपल है जो कई बार मूक भाषा में भी काफी सारे सवाल जवाब कर जाता है।
तो जब ये सारी चीजें होंगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या वाकई में अनुज अनुपमा यानी कि दोनों मान बनेंगे या नहीं बनेंगे, या इस सवाल जवाब के जो भी कुछ होगा और रास्ते क्लियर होंगे और ज्यादा अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि यहां पे अनुपमा को छोटी के बारे में भी क्लैरिटी होगी कि उसकी क्या हालत है और क्या अनुज, ये हम सबके सवाल है कि क्या अनुज चाहेगा कि अनुपमा छोटी से मिले, जैसे छोटी नहीं चाहती कि अनुपमा से पॉप मिले, वैसे ही क्या अनुज चाहेगा कि अनुपमा छोटी से मिले। तो ये सारे सवाल है जो हमें इनके आमने सामने होने के बाद ही मिलेंगे और जल्द इनका आमना सामना होगा इसी सवाल के ऊपर कि क्या आगे करना है, क्यों छोड़ा, क्या छोड़ा, वो सब तो होंगे ही, मगर ये आगे के सवाल भी होंगे, पास्ट और फ्यूचर के सवाल भी होंगे, बस प्रेजेंट डिस्कस नहीं होगा ये मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं, क्योंकि अब जो है आद्या तो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि आद्या के सारे पत्ते खत्म हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा पैनिक अटैक था वो भी खत्म हो गया, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.